अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और महिला मौके से भाग रही है और महिला को पकड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से पीछे पीछे भाग रहे हैं और महिला को अब पकड़ लिया है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और महिला आप भाग क्यों रहे बहन जी, क्या बात हो गई? इनके लड़के को बुलाओ, आप अपने लड़के बुलाओ, इन्होंने भगा दिया जब मैं आई थी, मुझे तंग करता है। रहने वाले आप? मैं शहर की हूँ रहने वाली, सेक्टर सदर बाजार की। क्या काम आए थे आप? मैं ना, इन्होंने कहा था प्रधान ने कही थी अगर अब की भी जो कोई भी गलती करे ना तो मेरे लवे फोन करियो। मैंने कहा था मैं इनके घर जाऊंगी, इनसे घर से कहूंगी भाई तुम्हारा लड़का बाज नहीं आता, बस ये बात कही है तो ये सारे चिपट गया मुझे। सुनो रात को नहीं आई हूँ, बहुत देर की बात है, जिस दिन में आई थी मैं, ठीक है ना, रात को नहीं आई हूँ। प्रधान ने फोन किया, प्रधान फोन ही नहीं उठा, उसने मना कर दी थी मैंने जब उसका फोन उठाया। उसको फोन करो, ठीक है, उसको बुलाओ। किसको बुलाओ? प्रधान को। प्रधान ने नहीं कहा था, प्रधान ने फोन काट दिया था, तो मैंने कही थी मैं घर जाऊंगी भाई। अब चलो चलो भाई, भाई छेड़ कर दो बड़ी बड़ी बात। और जब मार इन्होंने कोई नहीं, चलो आप किसके साथ आ रहे हो? रुको यार, अकेले हो ना? रुको यार, आपने लेडी पुलिस से जाना है। हां जी, ठीक है। बहन जी आप वहाँ खड़े थे, भागे क्यों वहाँ से? भागी नहीं हूँ मैं, तो यहाँ भागी नहीं हूँ, बात फोन पे बात कर रही थी, भागी तो मैं वहाँ से भी नहीं। मासी मैसेज कर रही है, काफी टाइम से फोटो भेज रही है मेरे पास। एक मिनट, मैंने या तो आप निकल रहे हो या फिर मैं निकल रहा हूँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? पूनम। किस लिए आए थे यहाँ, आपका क्या है? हाँ जी, जे रहते हैं इनका लड़का मुझे तंग करता, वही बात कहने आई थी मैं। या फिर आपके साथ क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ? या इनका लड़का मेरे साथ रहता था, तो वो लड़का कहाँ है? बुलाओ। वो है ही नहीं, इन्होंने, मैं गई ना वहीं बैठा था, भगा दिया इन्होंने। नहीं जी, बेदखल हो, नहीं आप झूठ, नीचे झूठ बोल रहे हैं दोनों तरफ। नहीं नहीं, फिर आप मतलब क्या दिक्कत आई है? इसने किया क्या आपने? ये आप कुछ भी नहीं किया, घर में आती है, सारे चिपट रहे मुझे, चिपट रहे घर में, जाके घर में आती है जी, उन्हें घर में आके उनके संदूक तक का कर रहे जी ना इस टाइम। लेडीज थी जी दो, बस अंदर गुड़िया और उसकी माँ लड़के की। मैं सदर बाजार की। बहन जी आप अपना नाम बंटी बता रहे थे, आप पूनम बता रहे हो? हेलो, पूनम भी है, मेरा नाम बंटी भी है। बंटी तो आपके घर वाले का नाम है। फिलहाल मौके पर डायल 112 की जो गाड़ी है वो पहुंच गई है। राज सिंह जो जांच अधिकारी है वो प्रवीण कुमार हैं, वो यहां पर पहुंचे और फिलहाल अब महिला पुलिस को बुलाया गया क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ मामला है और महिला पुलिस को फिलहाल बुलाया गया है। बहन जी पुलिस अब आ गई है, क्या चाहते, क्या है आप? सर हमें इस औरत से छुटकारा चाहिए, जो भी आइए, मतलब इसकी तो 2 महीने ही होने थे कि इसके पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है और हमने इतने बार पैसे दिए भी हैं, बकायदा सबूत हमारे पास सारे के सारे। मम्मी एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर, क्या चाहते चाहते क्या हुआ जी? मेरे हमारे घर नहीं आ रहे, मेरे बच्चे ने जो मरवा भी दिया, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, चाचा मेरे बच्चे ने और कोई भी मार दो, इतना मजबूर करे जिसका बंदर है, इसका भक्त रहे, छोरा क्यों नहीं पढ़ना छोड़ दी? देखो जो तुम इतने बंदे हो, जे मैं बुलाऊंगी जी भी आप आओगे, मेरे पास नहीं किसी के तमा नहीं है कोई किसी के पास जी, इसके अलावा मेरा लड़का जावा जिसने क्यों नहीं पहल दी, मान मोटी बात, इसके अलावा लड़का जावा तो क्यों नहीं नमा तो पहल दीजिए भाई, मेरे लोग क्यों आवा, क्यों ये कमाई करे, क्यों रुपया लग रही कौन जी, परेशान कर रखा पैसे मांगे तेरे, भीतर पेटी लगी मेरी क्रांड, जब मैंने रोकी तो मेरे के लिए मारपीट लग गई, यू का 1,00,000 रुपया लेंगी मैं, नहीं रोनू का लड़के ले लिया, मैं मरवा दूंगी, बहुत बंदे हैं पुलिस वाले, इनको मेरे बंदे हैं, मारने क्रम की दी इसने मेरे भाई को, उसका जान माल का पूरा खतरा है, और अगर उसका कुछ हो गया कल को जिम्मेवारी ले जाएंगे, कार्रवाई हो पुलिस आ गई, पूरा हां जी कार्रवाई हो जी, हमने
आपको बता दें कि मामला यहाँ पर रुका हुआ है कि जो महिला है वो लगातार एक युवक जो कि गांव का ही रहने वाला है उसे ब्लैकमेल कर रही है, और फिलहाल जांच अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं वो जांच पड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं और महिला से बातचीत कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल के गांव शेखपुरा सुहाना से आप देख रहे हैं, जहां पर डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। महिला पुलिस को मौके पर बुलाया गया है, महिला पुलिस को मौके पर बुलाया गया ताकि अगली जो कार्रवाई है वो महिला पुलिस कर सके और क्या कुछ पूरा मामला है उसकी जाँच की जा सके। तो फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं राज सिंह, वो मामले की जो जानकारी है वो महिला से ले रहे हैं। पहले महिला ने अपना नाम बताया था बंटी, लेकिन अब यानी कि खुलासा हुआ कि महिला का नाम बंटी नहीं है, पूनम महिला का नाम। किस आप अपनी मर्जी से आए हो या उसने बुलाया था आपको? अपनी मर्जी से। फिर वो मिला नहीं आपको? नहीं बैठा था, इन्होंने भगा दिया उसको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो महिला पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, एक और गाड़ी जो नहीं डायल 112 की ही दूसरी गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और जानकारी लेने के लिए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि करनाल के गांव शेखपुरा सुहाना में आपको बता दें कि जो एक महिला यहाँ पर पहुँच जाती है और उस महिला के पहुंचने के बाद महिला काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करती है, बताया जा रहा है कि पैसों की मांग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, इसी वजह से जो पुलिस को अब यहां पर बुलाया गया। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। डायल 112 की एक और जो गाड़ी है वो मौके पर पहुँच गई है और अब महिला पुलिस भी मौके पर बुलाई गई है ताकि जो आगामी कार्रवाई है वो फिलहाल हो सके। मेरी बात सुनो, प्रधान की बात सुन लेना। प्रधान ने मुझे नहीं कही थी ये लड़का अब कुछ भी करे। प्रधान का क्या नाम है? मैंने प्रधान से बात करी। प्रधान कौन है जिसका, जिससे आपकी बात हुई है? वो नाम नाम नहीं पता, क्यों नंबर है। फिर आप थाना चौकी क्यों नहीं गए इससे पहले अपनी कार्रवाई कराने के लिए? भैया भाई आपको ये मैंने पहले भी दी थी जब इसने यही चक्कर पड़ा था। कौन से थाने में दरखास्त दी थी आपने? 13 सेक्टर में दी थी। 13 सेक्टर में कोई कांटेक्ट बनता है किस वजह से किया? सेक्टर 13 मैं वहीं रह रही थी, रेंट पे रह रही। अच्छा, थी रेंट पे। तो मैंने वहीं दी थी। अच्छा, इस वजह से वो इलाका वहीं पड़ता है। हां बिल्कुल। तो इन्होंने फैसला फुसला कर लिया वहां हो गया। अब फिर वो फैसला कर लिया। फैसला किसकी उस पे आपकी तरफ हुआ था क्या इनकी तरफ हुआ था? क्या हुआ था? दोनों तरफ हो गया था। क्या फैसला हुआ था? लड़के के साथ रहना है या नहीं? नहीं रहना नहीं है, मतलब ना तो जी आएगी ना जी बात करेगी। फिर आप आज क्यों आई हैं? इसने पैसे लिए थे 60,000 कब लिए थे? हाँ वो तो पहले लिए थे ना। चलो ले लिए, फैसला हो गया था। फिर आज क्यों आए आप? सुनो ना, आरोप लगा रहे थे जब आपने 60,000 रुपए जब ले लिए थे फैसला तब 10-20 40 लिए थे तो कहने का मतलब आज क्यों आए फिर आप फैसला होने के बाद? आज नहीं, ये तो काफी दिन बात हुई थी मेरी। प्रधान जी कहते मेरे जे काम नहीं है, तुम्हारा आए दिन का काम है। ठीक है वो। हाँ जी उन्होंने ये बात कही तो मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं घर कह के आऊंगी। ये जो घर वालों को नहीं बताता तंग करता है मुझे। और इसके ना कई बार हमने झगड़े निपटवा दिए। 60,000 रुपए एक बार दिए थे इनको स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से ड्रामे कर रही है लेडीज।
गांव के बीच में का ले रहते थे, ये जो गांव से बाहर से आकर किराए पर रहते थे, वहां पर अपनी मम्मी को लेके आई थी, मारपीट हुई है पहले, चलो जैसे भी रहा गांव में वो फैसला हो चुका था उनका। उसके बाद पीछे फिर इसने एक इल्जाम लगाया था कि मेरी फ्रेंड है ना कोई सपा सेंटर वाली है, भी उसके साथ मारपीट करी, इसने अपना नहीं उसका नाम लिया था, वो भी फैसला होया कॉल रिकॉर्डिंग और फुटेज निकलवाई थी, वो मंडी में मैं उस टाइम मंडी में था, जैसे भी इसके जो पहले जो घटना घटी है उनके फैसले हो चुके हैं। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस बात भाई इसने क्या परेशानी कर दी आपके यहाँ खड़ी, तो मैं मारूंगी ये बात सुनो। जब आपका मैटर क्या नाम आपका नहीं हुआ तो आज क्या नाम है, वो मुझे तंग कर रहा था इस वजह से। क्या कह रहा है फोन करता है आपको, सारी डिटेल है मेरी, इसमें नहीं है वो दूसरा फोन। सर एक मिनट के लिए, डिटेल तो नंबर से निकलेगी, ऐसे थोड़ी निकल जाएगी। मैडम आपके फोन पे कॉल तो आई होगी, फोन पे कॉल सारी आ रही है उसमें है और इसमें पता लग जाएगी। मेरे पे नंबर है ना, वो फोन है ना, उसमें सब कुछ है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब सारी है ना। बाई चार में मैं इतना कह सकता हूँ आपको, और इतना मैं आपको ठीक है जी, आप कंप्लेंट लिखी जाओगे, आप कंप्लेंट दे दो। राज सिंह जी पहुंचे थे यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या शिकायत मिली थी पहुंचे? ऐसा मेरे पास पंचकुला से कॉल मिली है, मैं कॉल अटेंड करके यहाँ पहुंचा हूँ गांव सुहाना में। सुहाना में आके देखा तो आप भी मेरे सामने मौजूद थे, ये और इससे मैंने पूछताछ की, इसका नाम पता लगा और इसके बारे में मैंने महिला थाने भेजने के लिए दुर्गा शक्ति बुला ली है और कंप्लेंट को बोल दिया कि वो थाना पहुंच के अपने कंप्लेंट दे, जैसी सूरतों की वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डायल 112 से। तो सर क्या गांव वालों ने जो परिवार शिकायत किया थी, अभी दिक्कत क्या थी, महिला आई है यहाँ पे? जो गांव वालों ने बताया कि भैया ये कोई पैसे की डिमांड करने के लिए और जान से मारने की धमकी देने के लिए आई थी लड़के को, तो कार्रवाई उसी साथ। हाँ ये तो इनके आपस में जांच अधिकारी जैसा उस तस्दीक में आएगा वैसी कार्रवाई हो जाएगी। तो महिला दुर्गा शक्ति को बुलाया गया, दुर्गा शक्ति को बुलाया हुआ है, अभी इनको हैंड ओवर किया जाएगा और दुर्गा शक्ति थाना सदर ले जाए या महिला थाना ले जाए वो उनकी संतुष्टि से अफसर जैसे कहेंगे वैसे कार्रवाई होगी। तो फिलहाल राज सिंह हैं, जांच अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बता रहे हैं कि जानकारी और शिकायत ये मिली थी कि महिला पैसे मांगने की नीयत से और जान से मारने की धमकी दे रही थी परिवार को, इसलिए उनको शिकायत मिली और वो परिवार के लोगों ने यहाँ पर महिला को भी रोक लिया बीच में से, बल्कि एक बार जाने की भी कोशिश कर रहे थे और जो महिला हैं वो फिलहाल यानी कि दावे अलग अलग तरीके से कर रही हैं, कुछ लोगों के नाम भी ले रही हैं बीच में, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला बहन जी ये सच्चाई क्या, ये बच्चा बेचने वाला क्या मामला है? नहीं जी झूठ है सारे इसके जी, पीछे आदमी भी हमने के पर इसके आदमी का के वो का नहीं जी बता देने कुछ नहीं बता जी, पीस है लालच में पसावा जी सब ना, ये पांच सात लगाए जी गेंग पूरी मेरे लड़के तो मां तभी ने नहीं बात कही मेरे नहीं काबू आया नहीं तो हम करेंगे इन्हें काबू, दूसरी लड़की जिसके साथ मरा पांच सात जी, फिर इन्हें इल्जाम लाया चोरी का जी, ये लेडीज है ना इसको बोल दिया गया था कि आप अब इसकी कंप्लेंट नहीं दे सकते पाई गई है ये, और जो लड़की वाली बात उठा रही है आप कैमरे में दिखा सकते हो कि साफ साफ लिखा हुआ, लड़की वाली दरखास्त थी वो इसने एक बिट्टू को मोरा बनाया था सिर्फ पैसे अठने के लिए, साफ साफ लिखा हुआ और 10 प्रूफ है सर हमारे पास इस बात के, तो जी फिर ये इसने सारी डिटेल जी मैं तेरा सेक्टर में काट दी, तो मेरा जी आप शादीशुदा हो, आप शादीशुदा हो? पहले शादी हो रही है मेरी, अब आपके हस्बैंड साथ रहते हैं? नहीं मेरे साथ नहीं रहते, अभी भी पेंडिंग पड़ूंगा, हम अनिल विज के पास भी गए थे इसके बारे में, उसमें भी झूठी पाई गई है और ये सोच रहे की उस केस को भी दबा देंगे, आप अपने घर रहो, इनको अपने घर रहने तो दिक्कत क्या है, इनका लड़का भी तो मुझे तंग करता है, फोन नंबर बदल दो, नंबर बदल लिए, फिर कैसे पता लगता है उसको नंबर, वो आ जाता शहर में गलियों में घूमता हमारी, हमारे घर वालों ने देखा है ना तो आपको बता दिया, नहीं मार लगा क्यों नहीं पड़ता कोई आका, फिर बात करे जाए जबान काटा फालतू बंद कर दे करा 24 घंटे का, यू सर इसने हमें बिल्कुल परेशान कर दिया, तंग आके आ जा हमने 3-4 साल हो गए, तो पैसे देते हो दलाली करो के आ जा, तू अपने बेटे की दलाली करे और जो दलाली कर फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी कम नहीं हो, खाए भी तो तुमने ही पैसे बेचे। तो दुर्गा शक्ति की जो टीम है वो अब मौके पर पहुंच गई है, महिला पुलिस मौके पर पहुंची है और अब महिला को साथ लेकर जाया जाएगा और
महिला थाने में लेकर जाते हैं या थाना सदर में लेकर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति की जो टीम है वो फिलहाल मौके पर पहुंच गई है और महिला को अब साथ लेकर जाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के गांव शेखपुरा सुहाना से आप देख सकते हैं, जहां पर महिला पुलिस को मौके पर बुलाया गया है और अब जो महिला है उन्हें साथ लेकर जाया जाएगा और जाँच की जाएगी कि आखिर पूरे का पूरा जो मामला है वो क्या है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पहले इसके खिलाफ कोई कंप्रोमाइज हो चुकी है, आज फिर ये कोई दबाव बढ़ाने के लिए ही आई, इसलिए गांव के मौजूद आदमी कह रहे हैं भाई हमें इसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे, आप इसको महिला थाने ले जाए या दूसरा ऐसा जगह हैंड ओवर करते हैं, ठीक है आप चलो मैम। तो अब जो महिला है उन्हें भाई रास्ता दे दो दोस्त करे थे और कहने पे लाइट दे दो, तो अब उन्हें साथ लेकर जाया जा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहन जी आप स्पा भी कुछ है स्पा का बता रहे थे वो, तो दुर्गा शक्ति की टीम मौके पर पहुंच गई है और इनको अब साथ लेकर जाया जा रहा है और अब देखना होगा कि मामला सामने से क्या निकल कर आता है। आप जानते हैं कि क्योंकि महिला थी इसलिए ऐसे में यानी कि महिला पुलिस की जरूरत है और महिला पुलिस को मौके पर बुलाकर अब उस महिला को साथ लेकर जाया जा रहा है और शिकायत के आधार पर अब जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के गाँव शेखपुरा सुहाना से आप सभी के साथ लाइव, जहाँ पर डायल 112 और दुर्गा शक्ति दोनों टीमें मौके पर पहुंची और अब जो महिला है उसको थाने में लेकर जाया जा रहा है ताकि अगली कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के गांव शेखपुरा सुहाना से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।